बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आज हम अपना टॉपिक करेंगे लिपिड का। लिपिड क्या होते हैं, कैसे फॉर्म्स होते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं और इनके यूजेस क्या हैं, ये सब हम आज के इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद हम इसके जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं उनकी डिफरेंसेस भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिपिड क्या होते हैं। लिपिड्स आर द हेटरोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपको सबको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, लेकिन हेटरोजेनस कौन से होते हैं ये आपके लिए इस वक्त नई टर्म है। तो हेटरोजेनस कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो भी चीज़ें उनकी जो कंपोजिशन होती है वो अनइवन होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती। यानी वो जिन चीज़ों से मिलके बन रहे होते हैं ना वो सेम क्वांटिटी में नहीं मिल रही होती, कुछ ज़्यादा कुछ कम होती है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड को कहते हैं हेटरोजेनस कंपाउंड। ऑर्गेनिक है तो कंटेन क्या करेंगे, ये कार्बन कंटेन करते हैं, ठीक है। जब ऑर्गेनिक होंगे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है और इनके अंदर ये तीनों होते हैं। उसके अलावा बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, वेरी रेयरली, इनके अंदर नाइट्रोजन एंड सल्फर भी होते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होते हैं, सल्फर नहीं, फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये तो हमने इसकी कॉम्पोजिशन बता दी। इसकी एग्जाम्पल कौन सी है, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में देखते हैं वो है फैट और दूसरी है ऑयल, ठीक है। जो ऑयल हम देखते हैं वो भी लिपिड है और जो फैट देखते हैं, जो फैट यानी कि चर्बी आप देखते हैं ना, जो एनिमल फैट होता है वो वाला फैट और ऑयल जो लिक्विड होता है, इनका डिफरेंस भी हम आज ही करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये इसकी दोनों एग्जाम्पल है। इन दोनों में फ़र्क इस वजह से होता है कि इनकी कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अच्छा, लिपिड जो है हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि ये जो है वाटर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बट सॉल्युबल इन, लेकिन किस चीज में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन ब्लूस री एजेंट ब्लूर्स रीएजेंट के अंदर जो है ये सॉल्युबल होता है। ब्लूर्स रीएजेंट जो है वो एक मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर होता है, वो होता है मिक्सचर होता है डाई इथाइल एथर का। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये मैं ब्लूर्स रीएजेंट का बता रही हूँ कि किस चीज़ का मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ डाई इथाइल एथर एंड इथाइल एल्कोहल का, ठीक है। इन रेशो, किस रेशो में, 2:1 के रेशो में, यानी कि ये जो डाइथाइल तरह थे ये 2 के रेशो में होता है, इथाइल एल्कोहल जो होता है वो 1 के रेशो में होता है। इन दोनों चीज़ों को मिलाते हैं तो उसके अंदर जो है लिपिड जो है वो सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, इसीलिए इनको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। अच्छा, लिपिड फॉर्म कैसे होते हैं, और लिपिड का को जो है असल में ईस्टर भी कहते हैं, लिपिड ईस्टर्स भी हैं। ईस्टर्स आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ के आए ना, जब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है वो बन जाता है तो वो लिपिड बन जाते हैं। लिपिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, ठीक है। ये सेल बनाते हैं, सेल बनाते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक है सेल का। कोई भी सेल बनाने के लिए जो ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होते हैं लिपिड, ठीक है। अब ये देखिए, आप अगर कोई वॉल बनाते हैं, ब्लॉक से बनाते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि ब्लॉक से वॉल बनी है, लेकिन वो ब्लॉक भी किसी चीज़ से बने होते हैं। तो ये जो लिपिड हैं ये भी किसी चीज़ से बने, ये तो सेल बना रहे हैं लेकिन ये किस चीज़ से बने हैं, लिपिड। लिपिड बनते हैं, लिपिड्स आर फॉर्म्स, लिपिड कैसे बनते हैं, लिपिड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के मिलने से एंड ग्लाइसरॉल के मिलने से, ठीक है। ये दो चीज़ें जब मिलती हैं आपस में, ट्राई ग्लाइसराइड बनाती हैं, ठीक है। कंबाइन करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल एंड फॉर्म ईस्टर्स, ईस्टर्स बनाते हैं। लेकिन हमें यह भी बताना होगा कितने फैटी एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैटी एसिड, कितने फैटी एसिड मिलते हैं, 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लाइसरॉल। 3 फैटी एसिड और 1 ग्लाइसरॉल जब कंबाइन करते हैं और फॉर्म करते हैं ट्राई ग्लाइसराइड, ठीक है। ट्राई ग्लाइसराइड यानी कि इथर बनाते हैं, ट्राई ग्लाइसराइड होते हैं क्या, इथर्स,
सॉरी ईथर्स नहीं बनते, ईस्टर्स बनते हैं इसके, ईस्टर्स, ठीक है। जब ये तीन फैटी एसिड और वन ग्लाइसरोल आपस में कंबाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं ट्राईग्लाइसराइड जो कहलाते हैं ईस्टर्स, जब ईस्टर्स बनते हैं वो होते हैं लिपिड, ठीक है। ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये तो हमारे पास ईस्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। ये है हमारे ईस्टर्स, ये हमारा ईस्टर्स का फॉर्मूला है। लेकिन ईस्टर्स बनते किस चीज़ से हैं, वो फैटी एसिड से और ग्लाइसरोल से बनते हैं। तो फिर हम लिखते हैं फैटी एसिड क्या चीज़ है। सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि ग्लाइसरोल क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ मैं अब आपको बताऊँगी पहले ग्लाइसरोल क्या चीज़ है, फिर मैं आपको बताऊँगी फैटी एसिड क्या चीज़ है, फिर ये दोनों किस तरह कंबाइन होकर लिपिड बनाते हैं वो बताऊँगी, ठीक है। तो ग्लाइसरोल क्या चीज़ है, ग्लाइसरोल एक ऐसा एक पॉली कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं, पॉली कंपाउंड। पॉली कंपाउंड का मतलब है इसके अंदर कई, पॉली मतलब होता है कई, मैनी, इसके अंदर जो है कई हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप होते हैं, कितने, मैनी ओ एच ग्रुप फाउंड, इसके अंदर कितने ज़्यादा हाइड्रोऑक्साइल ग्रुप होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी थ्री एच एट ओ थ्री, और इसका जब हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह से होता है। हमारे पास तीन कार्बन एटम होते हैं, ठीक है, ये तीन कार्बन एटम हैं, इनके ऊपर सब जगह पे एक एच एच आइन है, ठीक है, और इनके नीचे वाली तरफ सब तरफ, एक तरफ इनके एच आइन है और एक तरफ ओ एच आइन है, ठीक है। देखें इसके अंदर तीन ओ एच आइन है, और यहाँ पर देखें तो इन सब H को गिने आप तो एट एच हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये एट एच हो गए। ऑक्सीजन गिने कितने, वन टू थ्री, तो थ्री हो गए, और C देखें कितने, थ्री, तो तीन कार्बन एटम में हर एक के एटम के साथ एक एक ओ एच आइन ज्वाइन हो गया है। तो ये तो हमारा ग्लाइसरॉल हो गया, ये एक ग्लाइसरॉल तीन फैटी एसिड के साथ मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं फैटी एसिड क्या चीज़ है। फैटी एसिड जो है ये कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है असल में, ठीक है, दे आर फैटी एसिड आर कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, क्या है ये, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड का आपने देखिए, मैं बार बार आपको पिछले जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हवाला देती हूँ चैप्टर का, लेकिन ये सब आप कार्बो ऑक्सैलिक एसिड उसमें पढ़कर आए। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है, कार्बो ऑक्सैलिक जो होते हैं वो भी बाई फंक्शनल होते हैं। बाई फंक्शनल कैसे होते हैं कि कार्बो ऑक्सैलिक के अंदर जो है दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। किस तरह से दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है दे कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप, टू फंक्शनल ग्रुप, मैं ये पूरा लिख के भी आपको इस तरह करा सकती थी लेकिन मैं इसलिए कर रही हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं, वन इज कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप आपको पता है ना कैसे लिखते हैं, हम इस तरह मेंशन करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, एंड द अदर इज, सेकेंड इज ओ एच ग्रुप, यानी एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से ग्रुप हैं, दो ग्रुप होते हैं फैटी एसिड के अंदर क्योंकि ये बाई फंक्शनल है। अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखें तो एक रेडिकल होगा, रेडिकल कार्बन के साथ एक रेडिकल अटैच होगा, इधर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का होगा और यहाँ पे इसके साथ ओ एच होगा। देखें इसके साथ एक ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप आ गया और ये एक ओ एच ग्रुप आ गया। ये तो आपने प्रोटीन में भी अभी सीखा था ना, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड जो है वही कार्बो ऑक्सैलिक एसिड है। कार्बो ऑक्सैलिक एसिड को जो हम इसको सिंपल करके इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूले को कंडेंस करके लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, आर सी ओ ओ एच, ठीक है, ये कार्बो ऑक्सैलिक का जो है कंडेंस फॉर्मूला हो जाता है, इसी को कंडेंस कर दिया हमने, आर सी ओ ओ एच। सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कैसे होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होंगे जिनमें ये जो कार्बन आपस में ज्वाइन हो रहा होगा, कार्बन के कार्बन का कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। दे कंटेन सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन एटम की बात हो रही है। देखें ये कार्बन ऑक्सीजन से ज्वाइन हो रहा है लेकिन इसका मतलब ये ऑक्सीजन से नहीं, कार्बन का कार्बन से बात हो रही है, ठीक है, कार्बन का कार्बन से जो होगा सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा बिटवीन टू कार्बन एटम। इसमें सिर्फ कैसे होंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे इसी तरह सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है कार्बन का कार्बन के साथ, ठीक है। हम लिखते हैं व्हेन सैचुरेटेड फैटी एसिड कंबाइन विद ग्लाइसरॉल, व्हेन
थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल कंबाइन, मॉलिक्यूल कह लें या मोनोमर्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद वन ग्लाइसरॉल, ठीक है। जब तीन फैटी एसिड, ऐसे फैटी एसिड जो सैचुरेटेड हैं, तीन सैचुरेटेड फैटी एसिड कंबाइन करते हैं ग्लाइसरॉल के साथ तो दे फॉर्म ईस्टर्स। कौन से ईस्टर्स बनाते हैं? ये बनाते हैं फैट, ठीक है, जो चर्बी होती है वो बनती है। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिले तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं, व्हेन थ्री यहाँ पे लिखना चाहिए थ्री, व्हेन थ्री अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंबाइन विथ वन ग्लाइसरोल, एक ग्लाइसरोल से जब मिलते हैं दे फॉर्म ईस्टर्स, ईस्टर्स ही बनाते हैं बट कॉल्ड, क्या कहलाता है वो, ऑयल, वो क्या कहलाते हैं, ऑयल कहलाते हैं। यानी कि ईस्टर्स तो बनेंगे लेकिन वो ऐसे, अगर ईस्टर्स तो दोनों में बनेंगे ना, लेकिन अगर वो ईस्टर्स सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होगा तो ऑयल बनेगा, और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होगा तो फैट बन जाएगा। बहुत सिंपल सा है ये, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गई होगी फैटी एसिड का। इसी तरह फैटी एसिड के जो होते हैं कार्बन एटम के हिसाब से इनकी जो है सब डिविजन्स होती हैं, यानी कि इनकी क्लासिफिकेशन होती है। फैटी एसिड में ऐसे फैटी एसिड जिनमें 1 से लेकर 5 कार्बन एटम होते हैं वो कहलाते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, ये आपकी बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, तो आप ये उतार लीजिएगा। फैटी एसिड दैट कंटेन, ऐसे फैटी एसिड जिनके पास जो है 1 से लेकर 5 कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम आर कॉल्ड शॉर्ट चेन, उनकी कहलाएगी शॉर्ट चेन। लेकिन जिनकी 1 से 5 तक होगी वो शॉर्ट चेन, और अब मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिखूंगी, ठीक है। और जिनकी 6 से 12 होगी वो कहलाएंगे हमारे पास जो है मीडियम चेन, ठीक है। शॉर्ट चेन कौन सी होगी? 1 से 5 तक, यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ, 1 से 5 तक, 6 से 12 तक होगी तो वो कहलाएगी मीडियम। इसी तरह जो 12 तक तो हो गया ना, 13 से जो होगा 21 तक होगी वो कहलाएगा लॉन्ग चेन, ठीक है। और 21 से ज़्यादा होगी, मोर देन 21, ये कितना भी हो सकता है, इसीलिए इसकी इनिशियल वैल्यू दी है 21 से कितना भी अबव जा सकता है, तो ये कहलाएगी वेरी लॉन्ग चेन, ठीक है, ये होगी वेरी लॉन्ग चेन। तो ये तो हमारे फैटी एसिड का हमने पूरा समझ लिया, फैटी एसिड है क्या, ग्लाइसरॉल क्या है और फैटी एसिड क्या है। तीन फैटी एसिड एक ग्लाइसरॉल के साथ मिलके किस तरह से वो बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फैटी एसिड का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपको पता है ना फैटी एसिड का फॉर्मूला, यहाँ लिख लेते हैं हम फैटी एसिड, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं हम ग्लाइसरॉल, दोनों के हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ड्रॉ करेंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये मैंने अभी आपको सिखाया है कि ये फैटी एसिड का यानी कार्बोऑक्सैलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोऑक्सैलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है जो कि एक अल्काइल रेडिकल के साथ जुड़ा हुआ है। ये आर डैश का मतलब है एक अल्काइल रेडिकल, ठीक है। अब ये दूसरा आर डबल डैश बनाए, यानी कि ये जो होगा ये दूसरा अल्काइल रेडिकल होगा, इसमें सेम अल्काइल रेडिकल नहीं होते। ये फिर ये आ गया हमारे पास, देखें एक आया, दो आया और ये तीसरा आ गया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। एक अल्काइल रेडिकल के साथ एक कार्बोऑक्सैलिक ग्रुप, फिर दूसरे के साथ एक कार्बोऑक्सैलिक एसिड, ये जो है तीन कार्बोऑक्सैलिक एसिड के मॉलिक्यूल बना लिए, 1 2 3, ठीक है। अब इसके सामने जो है ग्लाइसरॉल इस तरह से आता है, जो हमने चेन हमने जो है हॉरिजॉन्टल चेन ड्रॉ की थी, इसमें हम वर्टिकल चेन ड्रॉ करेंगे। किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं कार्बन कार्बन, फिर एक कार्बन और फिर ये, ठीक है, ये तीन कार्बन हो गए, तीन कार्बन होते हैं ग्लाइसरॉल के अंदर। तो इसमें एक इस साइड पे सब तरफ जो है यहाँ पे एक OH आ जाएगा, यहाँ पे भी एक OH आ जाएगा और यहाँ पे भी एक OH आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों तरफ एक एक H आ जाएगा, सही है,
यहाँ पे जो खाली जगह, यहाँ पे एक एच आ जाएगा, यहाँ भी एक एच आ जाएगा, यहाँ भी एक एच आ जाएगा। ये हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लिया। अब ये जो इसको हम एक और तरह भी लिख सकते हैं ना, इसको फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, इस साइड का हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, हम यहाँ कार्बन के साथ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये दो हाइड्रोजन सी एच टू इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको सी एच लिख सकते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ दो एच है ना तो सी एच टू। ये इसने लिखा है क्योंकि ये देखें एल्काइल रेडिकल बन गए इस साइड से, क्योंकि हमें ईस्टर्स बनाने। अब ये देखें ये किस तरह से होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कंबाइन होंगे। कैसे कंबाइन होंगे, इसका जो होगा एच इसके ओ एच के साथ मिलके कंडेंसेशन करेगा, फैटी एसिड का ये एच और इसका ओ एच, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ये क्या बना लेंगे एच टू ओ। एच टू ओ बना के एच टू ओ जो है रिलीज हो जाएगा। सेम यहाँ भी इसी तरह से ही होगा, इसका एच और इसका ओ एच रिलीज हो जाएगा, इसका एच और इसका ओ एच रिलीज हो जाएगा। अब ये हटा दें अगर हम, और ये वाटर बन के जो है डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर की डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो अगर हम इसको अब इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से एच एच हटा देंगे, यहाँ से ओ एच ओ एच हटा देंगे क्योंकि ये वाटर रिलीज हो गया। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही उतारते हैं हम, आर आर और ये आर, ये इसलिए कि तीन अल्काइल रेडिकल ये बताने के लिए डैश डाला हुआ है इसलिए डाला है। आप ना भी डालें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, ना डालिएगा, सिर्फ आर आर लिख लीजिए। तो ये सी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, ये भी सी है, इस पे डबल बॉन्ड ओ, ये भी सी है, इस पे डबल बॉन्ड ओ। अभी तो मैंने ये साइड उतारा है, अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ एक एक ओ बच गया, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक एक ओ, सही है, ये हो गया। अब ये जो है इनकी वाटर डिहाइड्रेशन हो गई, ये एक दूसरे के पास आ गए क्योंकि इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के क्लोज हो गए, तो यहाँ पे कार्बन इसके पास आ गया, ठीक है, ये आ गया सी, सॉरी यहाँ पे मुझे डैश डालना चाहिए ना, बॉन्ड भी तो है सी, और ये सी सी बचा था ना यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, और ये पूरा ये वाला बचा हुआ है ना, तो बस हम सिर्फ ये लिख देते हैं, पूरा पूरा ये साइड लिख लेंगे, इस तरह लिखने के बजाय इस तरह लिख लेंगे, वरना आप दो बार लिख लें, एक दफ़ा ऐसे एक दफ़ा ऐसे, ठीक है। देखें ये ओ एच यहाँ से निकल गया, यहाँ पे क्या बचा, ये साइड बचा ना सी एच टू, तो हमने यहाँ पे सी एच टू लिख दिया। इसी तरह यहाँ देखें यहाँ क्या बचा, ये सी एच बचा, यहाँ पे ये सी एच लिख दिया, इधर भी ये दोनों चीज़ें निकल गई, यहाँ पे क्या बचा, ये सी एच टू बचा, तो ये सी एच टू लिख दिया। अब आप ये देखें कितना सिंपल हमें दिखाई दे रहा है, पूरा ईस्टर बना हुआ, ईस्टर का फॉर्मूला यही था। ये जो है एल्काइल रेडिकल है, सॉरी यहाँ पे सी एच टू था ना, ये भी एक एल्काइल रेडिकल, ये भी एल्काइल रेडिकल है, ये भी एल्काइल रेडिकल है, तो हम यहाँ पे आर 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 लिख सकते हैं। देखें कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी आर हो गया, ये भी है आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये भी आर है सी एच, ये भी, यानी कि एक एल्काइल रेडिकल है ना, आर का मतलब है एल्काइल रेडिकल, और यहाँ पे भी हम देखते हैं ये सी, और यहाँ पे भी एक आर। अब यहाँ पे जो है आप इसको चाहे आर डैश डाल दें कि ये एक आर अलग है, ये आर अलग है, इधर ना डालें, ये मैंने दो डाल दिया है, लेकिन इस तरह डाल भी सकते हैं और नहीं भी डालें तो अभी चलेगा, ठीक है। मकसद ये है कि ये देखें ये पूरा का पूरा ईस्टर बन गया, आप इसको देखिए कि ये हमारा ईस्टर का ही मॉलिक्यूल बन गया है, ईस्टर बन गया। अगर ये ईस्टर ऐसा होगा जिसमें कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा तो हमारा फैट तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर इन कहीं कोई एक भी कार्बन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा तो हमारा ऑयल रेडी हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी आपको समझ में आ गया होगा फैट और ऑयल का फर्क, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है इसको काउंट नहीं करते, कार्बन का कार्बन के साथ काउंट होता है, ठीक है। फैट और ऑयल का डिफरेंस भी देख लेते हैं। दीज आर द सॉलिड्स एट ऑर्डनरी रूम टेम्परेचर। फैट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, आपने देखे ना चर्बी वगैरह जो होती है वो सॉलिड होती है, ऑयल जो होते हैं लिक्विड होते हैं। दे आर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम एनिमल, ये ज़्यादातर फैट जो होती है एनिमल की होती है, एनिमल से हासिल करते हैं, और ऑयल दे आर ऑब्टेन मेनली फ्रॉम प्लांट, ये प्लांट से हासिल करते हैं। प्लांट से आपको पता है कैसे हासिल करते हैं, उनके सीड से निकालते हैं ना, उनके सीड में होता है ऑयल। दीज आर सैचुरेटेड कंपाउंड, ये मैंने आपको बता दिया, फैट जो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड से बनते हैं और ऑयल जो होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बनते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ऑयल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। दे इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी, फैट जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देते हैं, जबकि ऑयल जो होते हैं मेंटेन द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी। हम देखते हैं सोर्सेज क्या हैं, इसकी जो मेन सोर्स है वो सैल्मन फिश होती है, जो कि हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा लिपिड्स पाया जाता है, मेन इसकी सोर्स है सैल्मन फिश, और वेल्स वगैरह में भी होता है, रिच सोर्सेज हैं लिपिड की। बटर घी चीज़ आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से क्या हासिल करा जाता है, ये वाले लिपिड हासिल किए जाते हैं, जो कि बटर होता है, घी होता है, चीज़ होता है, ये भी लिपिड है। इसकी जो एक सोर्स तो ये एनिमल से हो गई, एनिमल कौन से हो गए, एक हो गई फिश, सैल्मन फिश और वेल में होता है बहुत ज़्यादा ये, उसके अलावा बटर घी और चीज़ जो कि एनिमल के दूध से और चीज़ों से बनते हैं, और प्लांट की इसकी सोर्स है जो कि जितने भी जिनके प्लांट्स हैं जिनके हम सीड से ऑयल निकालते हैं
वो कौन से सीड्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर होता है, कोकोनट होता है, ग्राउंड नट होता है, कॉर्न, कॉटन सीड, ऑलिव आर द इम्पॉर्टेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ लिपिड. ये इंपॉर्टेंट प्लांट सोर्सेज हैं. यूजेज ऑफ लिपिड कर लेते हैं. दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ फैटी एसिड एंड फैट सॉल्युबल विटामिंस, विटामिन ए डी ई एंड के इन द बॉडी. ये जो है फैटी एसिड के ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं, या विटामिन जो होते हैं ए डी ई और के भी ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं. सम लिपिड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल इन बॉडी. आपको पता है ना, कुछ लिपिड ऐसे होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में कम करते हैं. फैट एंड ऑयल आर यूज फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग. आपको पता है फैट एंड ऑयल जो है फ्राइंग में यूज़ होता है और कुकिंग में यूज़ होता है. फैट एंड ऑयल आर यूज इन डिटर्जेंट, सोप, कॉस्मेटिक, पॉलिश एंड पेंट. अब ये आपको अजीब बात लगेगी कि जो डिटर्जेंट हम कपड़े धोने का पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं उसके अंदर फैट होता है. जी हाँ, उसके अंदर एनिमल फैट यूज़ होता है. इसी तरह सोप के अंदर भी यूज़ होता है फैट, और फैट की मुख्तलिफ शक्लें यूज़ होती हैं. मुख्तलिफ किस्म के सोप इस तरह बनते हैं कि मुख्तलिफ किस्म का फैट उसमें यूज़ होता है. कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है जब ये ग्लॉसी जो कॉस्मेटिक बनते हैं. दे एक्टिवेट द एंजाइम्स. इनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं. ठीक है. एनिमल फैट आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यूज सेल. अब ये एनिमल का फैट जो होता है वो कहाँ से मिलता है? एडिपोज टिश्यूज से मिलते हैं. एनिमल सीक्रेट मिल्क फ्रॉम विच बटर एंड घी इज ऑब्टेन. ये तो हमें सब पता है ना कि जो बटर और घी जो है मिल्क से निकालते हैं. बटर और घी जो होते हैं वो कुकिंग में भी यूज़ होते हैं और फूड के तौर पर और बेकरी में भी यूज़ होता है. ठीक है. ये आपके इसके मैंने सारे पूरा आपका लिपिड का टॉपिक कवर करवा दिया. उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. प्लीज़ वीडियो को लाइक किए, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो. अल्लाह हाफिज़.